हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से हों। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है कान्हा जी का बेड बनाने से। मैंने डिसाइड करा कि चलो कान्हा जी का बेड बनाती हूँ, क्योंकि जो बेड था आपने देखा होगा जैसे गद्दे थे, लेकिन प्रॉपर वो नहीं था, जैसे एक बेडरूम बना होता है ना, तो इस तरह का बेडरूम नहीं था। तो मैंने सोचा चलिए बेडरूम बनाते हैं। तो प्रभु कृपा से कुछ ना कुछ चीज़ों का मैंने अरेंजमेंट करा और वो बनाना स्टार्ट करा, जिसका मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि बनेगा कैसे, मतलब मैं किस तरह से उसको अरेंज करूँ चीज़ों को, क्योंकि क्राफ्ट किए हुए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और ज़्यादातर चीज़ें ना भूल चुकी हूँ मैं। तो फिर भी एक कोशिश शुरू करी कि देखते हैं कि क्या बन के तैयार होता है। अब मुझे बनाने थे बेड के लिए 4 पोल्स, क्योंकि ऊपर और नीचे जैसे डबल बनाना है, जैसे छत भी बनानी है उसकी। तो उसके लिए मैंने क्या करा, ये जो एल्युमिनियम फॉइल होती है जो रोटी को रैप करने के लिए जो आती है, तो उसके अंदर जो रोल्स निकलते हैं गत्ते के, उनको यूज़ करा 4 पिलर्स बनाने के लिए। और बराबर इनका मतलब मेजरमेंट लेके इनको आधा आधा कट करा है, जिससे कि 4 पिलर्स रेडी हो जाएंगे। और इनको भी मतलब किसी कपड़े से मैं कवर करके लगा दूंगी। और एक दिन पहले मतलब कुछ दिमाग में सब चला था, तो मैं मार्केट जाके कुछ सामान लेकर आई थी, जिसमें वेलवेट का कपड़ा था, थोड़ा सा नेट का कपड़ा था और थोड़ा सा जैसे लेस लेकर आई थी। बस ये 3-4 चीज़ें थी, क्योंकि पहली बार चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, मुझे आइडिया भी नहीं था बनेगा कैसे, तो थोड़ा ही मैं सामान लेकर आई थी कि जितना मेरा 1-2 बार में यूज़ हो जाए। तो उसको लेके कान्हा जी का बेड बनाने की जो सोचा है, तो अब प्रभु कृपा से क्या बनेगा कैसा बनेगा, तो वो मैंने उन पे छोड़ा। मैंने एक बार शुरू करते हैं काटना वाटना सब स्टार्ट करा, तो मैं आपको यह दिखा रही हूँ। अब इसी के नाप के मैंने ये वेलवेट के 4 कपड़े काट लिए हैं, जिनको इस तरह से रोल करके अब इनको चिपका दिया है चारों कॉर्नर्स पे। और ये देखिए, ये जो डब्बा मैंने सेलेक्ट करा था ना, एक वो जो दिवाली पे जिसमें काजू वगैरह आते हैं ना, तो वो डिब्बा मैंने सेलेक्ट करा था, जिसके ऊपर का कवर बिल्कुल मैंने सेम रखा है, हटा लिया था उसको और उस पर फिर वेलवेट का कपड़ा चढ़ा के फिर से चिपका दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा वेलवेट का मैंने चढ़ा के चारों तरफ से पूरा कवर कर दिया, जिसमें पिलर्स भी वेलवेट कवर्ड है रेड, बेस भी और ऊपर का जो छत बनाई है वो भी। अब मेरे को ये जो नेट है इससे बनाना है कर्टेन, क्योंकि होता क्या है ना, जब मच्छर बहुत हो जाते हैं ना, तब मुझे लगता था मैं कान्हा जी को कैसे सुलाऊं ऐसे, तो मच्छर काटते होंगे उनको, तो इसलिए अब सोचा कि मच्छरदानी वाला बेड बनाना है। तो अब ये बनके हो रहा है तैयार, जिसमें मच्छरदानी जैसे मैंने चारों तरफ लगा दी है, लेकिन एक तरफ से जहाँ से एंट्री है वहाँ से कटिंग करनी है, बाकी चारों तरफ से तो फिक्स कर दिया, 3 तरफ से मतलब फ़िक्स करा और एक तरफ से ओपन छोड़ा जहाँ से उनको सुलाना है। और वहाँ पे मैं लगाऊंगी लेस। लेस मेरी कम पड़ गई थी, मतलब एक लेस कम पड़ गई थी, तो नीचे की लेस मुझे कुछ डिफरेंट लगानी पड़ी, पहले की जो रखी थी उनमें से सेलेक्ट करी। तो फाइनली अब जाके ये चीज़ तैयार हुई है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये कर्टेन लग चुका है कान्हा जी के लिए, अंदर गद्दा लगा दिया है और ऊपरी जो बाउंड्री है वो लेस से कवर करी है। नीचे का मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो नीचे भी मैंने सोचा, एक मेरे पास येलो कलर की ही लेस पड़ी थी, वो भी मैंने नीचे लगा दी, उससे भी कवर कर दिया, तो थोड़ा गेटअप अच्छी आ गई। अंदर मैंने लाइट्स लगाई हैं, और ये कौन सी लाइट्स हैं आपने देखा होगा, जब ये रेड लाइट सिग्नल्स वगैरह पे जो बलून मिलते हैं उनमें जो लाइट्स लगी होती हैं, वो एक बार हम कनिष्क के लिए लेकर आए थे, तो मैंने उसी की लाइट को धीरे धीरे करके निकाल लिया, क्योंकि सेल वाली लाइट होती है, उसको निकाल लिया और उसी को मैंने अंदर चिपकाया है, मतलब टेप से चिपकाया है कई कई जगह पर, और उसका कनेक्शन बाहर की तरफ रखा है। तो फाइनली बेड बन के तैयार हो गया है कान्हा जी के लिए। इतना मुझे अच्छा लग रहा था कि प्रभु ने जो प्रेरणा दी, जैसे जैसे मैंने बनाया कैसे भी करके, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। दिक्कत ये होती है कि अगर शुरू से आप क्राफ्ट कर रहे हो और आपको पता होता है कि चीज़ें कैसे कैसे सेट करनी है, तो फिर भी हो जाता है, लेकिन आपको क्राफ्ट किए हुए बहुत समय हो चुका, 2-3-4 साल हो चुके हैं, तो चीज़ें समझ नहीं आती कि कैसे कहाँ पे अरेंज करें, कलर कॉम्बिनेशन क्या रखें, कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी। अभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी जैसी फिनिशिंग होती है जो मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, शायद कान्हा जी को अच्छा लगेगा जितना मैंने बनाया है। और अगर जैसे मार्केट से लेने जाते हैं, मार्केट से भी मैंने पता करा था बेड, जो कि 400 से 500 तक की रेंज में थे,
मतलब अप्रॉक्स 500 से कम नहीं था इस तरह की लाइट्स वाला और इस तरह का बेड लेना है। तो जो मेरा करीब 150 से 200 रुपए का सामान आया था उसमें सारा कुछ बनके रेडी हो गया। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें जब हम कान्हा जी को उसमें सुलाना खिलाना ये सब चीज़ होती है ना, तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और देखिए, रात में मैं अंधेरे में दिखा रही हूँ ये आपको पूरा अंधेरा करके कि कैसा दिख रहा है, और वैसे भी अब रात होने वाली थी तो हमने सोचा चलो कान्हा जी को भी सुलाएंगे और उसकी भी मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे हस्बैंड कान्हा जी को सुला रहे हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी सो गए हैं और अभी उनको ब्लैंकेट उड़ा देते हैं। वैसे तो अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं लेकिन अब तक तो ठंड चल रही है। ठंड चले ना चले कुछ उड़ाना ज़रूरी होता है, हल्का सा कुछ भी उन्हें उड़ाना है। और यहाँ पे उड़ा के अब मच्छरदानी लगा के मुझे मतलब एक अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि फाइनली अब हम ऐसी जगह कान्हा जी को सुला रहे हैं जहाँ उन्हें मच्छर नहीं काटेंगे। क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता था कि हम लोग तो मच्छरदानी लगा के सोते हैं और कान्हा जी को हम ऐसे ही सुलाते हैं, उनको मच्छर काटते होंगे। जबकि मार्केट में इस तरह का एक बेड भी आता है जो एक टोकरी टाइप होता है और उसके ऊपर मच्छरदानी लगी होती है, जिप होती है उसमें, वो भी मैंने देखा था। लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि नहीं, मैं खुद ही कान्हा जी के लिए कुछ अच्छा सा बेड बना के दूंगी। और यहाँ पे प्रभु कृपा से बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हो गया। होता क्या है ना, हमें लगता है कि हमने किया है लेकिन कान्हा जी को जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है वो अपने आप सारे अरेंजमेंट करा लेते हैं। और इसको बनाने में मुश्किल से 2 घंटे शायद लगे होंगे, तो 2 घंटे में ये बनके तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने स्टार्ट करी थी एक कान्हा जी की ड्रेस बनाना, क्योंकि मुझे बार बार मार्केट से ख़रीद के ड्रेस बनाने में भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा चलिए कान्हा जी की कृपा से अब कान्हा जी के लिए ड्रेस एक बार ट्राई करती हूँ। यहाँ पे समस्या ये थी मेरे साथ, क्राफ्ट तो मैंने फिर भी किया हुआ है लेकिन सुई धागा पकड़ना मुझे नहीं आता। अब मतलब सिर्फ एक आठ टांका लगाना हो तो अलग बात है, वो तो हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एक सिलाई करना सुई धागे से, क्योंकि मशीन मेरे पास नहीं है जिसे कपड़े सिलते हैं, तो मेरे पास सुई धागे से ही मुझे ये ड्रेस तैयार करनी थी, यही चैलेंज था और वो भी पहली बार। कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी, उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया और प्रभु का नाम लेके करना शुरू करा। थोड़ा सा मैं आधा मीटर लाल कपड़ा लाई थी जिससे मैंने काट के, और जो लेस थी वो भी मैंने, एक चुन्नी थी मैंने उसमें से लेस निकाली थी। मेजरमेंट का कोई आइडिया नहीं लग रहा था, कैसे मेजरमेंट लेनी है, कहाँ से क्या बनाना है, मतलब मैं नाम भी नहीं जानती जो बनाते हैं ऐसे, ऊपर का क्या बनेगा नीचे का क्या बनेगा। देखो बस ये पता है, ये कपड़ा होता है, लेस होती है, सुई होता है, धागा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। कोशिश करी, प्रभु का नाम लेके शुरू करा, थोड़ी बहुत लेस आप देख रहे हैं थोड़ी सी रखी है, तो उनमें से मैंने एक लेस सिलेक्ट करी और एक मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये चुन्नी मेरे पास रखी थी बहुत पुरानी, तो इसको मैंने, इसकी लेस जो थी इसको निकाली, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी, प्रोफेशनल नहीं हूँ, आता भी नहीं है, और एक ट्राई करने के लिए तो थोड़ा सा हाथ साफ करने के लिए पुरानी ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये ड्रेस जब पूरी बनी तो प्रभु कृपा से बहुत अच्छी बनी, और जब कान्हा जी ने पहनी तो उनको फिट भी आ गई, क्योंकि मैंने एक पीछे डोरी लगा दी थी जिससे कि अगर फिटिंग थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो ठीक हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं उसको बना रही थी, जो नीचे की जो फ्रिल्स होती है ना, तो उसको जब मैं बना रही थी तो कुछ इस तरह से कर रही थी, जो लेस टांग रही थी मैं उसमें। तो फाइनली कान्हा जी की कृपा से कान्हा जी की बहुत अच्छी ड्रेस बन के तैयार हुई जो उन्होंने पहनी, और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।